गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्कार। नीट 2022 का रिजल्ट लंबे इंतज़ार के बाद कल रात को डिक्लेयर कर दिया गया था। अभी दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कट ऑफ बताएंगे, साथ में कितने नंबर पर आपको क्या रैंक मिलने वाला है वो लिस्ट आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों रिजल्ट जो है वो अनएक्सपेक्टेड है थोड़ा सा। अब की बार बताया जा रहा था कि कट ऑफ कम रहेगी, लेकिन कट ऑफ तो ज़्यादा हो गई है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 605 से 610 नंबर के बीच में ही कॉलेज मिल पाएगा। रैंक की मैं बात करूँ दोस्तों तो 21,000 से कम रैंक अगर आपका है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट। ओबीसी कैटेगरी में 600 से 607 नंबर के बिटवीन आपका जो है कॉलेज मिलने के चांसेस है 22,000 से कम रैंक वालों को। ईडब्ल्यूएस के लिए 603 से 608 22,000 रैंक से नीचे। एससी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट के लिए 487 से 492 कट ऑफ जा सकती है। 110,000 रैंक से नीचे अगर आपका रैंक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 470 से 475 आपकी कट ऑफ जा सकती है। 130,000 से नीचे आपका रैंक होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी में 170 से 180 नंबर वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। बात की जाए बोनस के रूप में दोस्तों, तो बोनस के लिए काफ़ी छात्रों ने जो है यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाए थे और 200-200 रुपये पे कर करके बहुत सारा पैसा जो है एनटीए को दिया था, और एनटीए ने कोई भी क्वेश्चन जो है वो बोनस नहीं माना है। सिर्फ एक क्वेश्चन जो उन्होंने पहले ही आंसर की में बता दिया था, सिर्फ वही आपको बोनस मिला है, बाकी किसी भी क्वेश्चन में आपको बोनस नहीं दिया गया है। तो दोस्तों ये बोनस क्यों नहीं दिया गया इसकी एक्सप्लेनेशन भी अभी तक नहीं आई है। जो भी टीचर हो, चाहे वो एलन के हो, चाहे आकाश के हो, चाहे वो नीट प्रीप वाले हों, सभी जो है ये कह रहे थे कि बोनस ज़रूर मिलेगा, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में बोनस मार्क्स नहीं दिए गए हैं। और दोस्तों मैं मार्क्स वर्सेज रैंक की बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं 590 नंबर तक, 590 नंबर तक आपकी जो कट ऑफ जा सकती है दोस्तों, वहां तक 2653 रैंक का डिफरेंस आ चुका है। बात की जाए 21 के कंपैरिजन में तो कट ऑफ दोस्तों हाई रहने वाला है। अब की बार कम से कम 5 से 7 नंबर तो ज़रूर इंक्रीज होगा। और आप यहां पर देख सकते हैं कट ऑफ में जो डिक्रीज आना शुरू होता है वो 477 नंबर के बाद शुरू होता है। हो सकता है यहां पर एससी और एसटी कैटेगरी में थोड़ा कम कट ऑफ चला जाए, लेकिन दोस्तों बात की जाए जब जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तो कट ऑफ 5 से 10 नंबर ज़्यादा रहने वाला है। बाकी दोस्तों काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसे फिल कर दें, आपको हर एक जानकारी बिल्कुल अच्छे से प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए सब कुछ गाइड आपको कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि नीट 2022 से जुड़ी पल पल की जानकारी हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। थैंक यू।